नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनचार। पिछले 5-6 दिनों से यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर भारत में भी काफी अफरा तफरी है। आरोप प्रत्यारोप हैं, असमंजस हैं, जानकारी का अभाव है और मुश्किलें भी हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी होगा कि वाकई किन स्थितियों में, जिसको तीसरा महायुद्ध कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, उसकी वजह क्या बनी। पिछले कुछ दशकों में ऐसा क्या बीता रूस और यूक्रेन के बीच जिसकी वजह से आज हमें वह देखना पड़ रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि दुनिया में अब हथियारों से कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। यह जानकारी भारतीय दर्शकों के लिए इसलिए भी जरूरी होगी कि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनमें सबसे पहले हम आपका परिचय प्रकाश केरे से कराएं। प्रकाश भारतीय पत्रकारिता में कूटनीतिक और विदेश मामलों के जानकार हैं। वह ऐसे चीजों पर लगातार निगाह रखते हैं। उसके अलावा हमारे साथ राजेश त्यागी हैं, पेशे से वकील हैं और वह इन दिनों लंबे समय से वार अगेंस्ट पीपल करके एक अभियान चला रहे हैं जिससे वह जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, भारतीय मीडिया में और भारत में जो जानकारियां आ रही हैं उससे तरह की स्थिति गफलत की पैदा हो रही है। हम आपसे सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार पिछले दशकों में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से एक आसन्न युद्ध आन पड़ा है और दो देश आमने सामने हैं और तरह तरह की जानकारियां आ रही हैं, इसका ठीक ठीक सच क्या है आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद से अगर शुरू करें तो वेस्ट ने दो चीजें करनी शुरू की रूस के बारे में। एक कि रूस के भीतर लिबरलाइजेशन और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी चीज थी कि उन्होंने ये कहा था कि नेटो का जो अरेंजमेंट है उसको हम पूर्वी यूरोप में विस्तार नहीं देंगे। तो रूस को, जो अब महाशक्ति नहीं रहा, उसको हम कोई ऐसे थ्रेट में नहीं डालेंगे जिससे कि न्यूक्लियर वार की नौबत आए या रूस के अस्तित्व पे संकट आए। ये दो वायदे से के साथ सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और बाकी और देशों की यात्रा शुरू होती है जी। और एक शॉक थेरेपी होता है इकोनॉमिक्स में, जिसमें यह होता है कि कोई इकोनॉमी जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, जहां पे लिबरलाइजेशन नहीं है, वहां पे आप अचानक से अनलिश करते हैं लिबरल इकोनॉमिक सेटअप को, बिजनेसेस को, प्राइवेटाइजेशन, इन तमाम चीजें। ये रूस में भी हुआ जी। उसका नतीजा ये हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बढ़ावा न देके उस तरीके से, जैसे हम डेमोक्रेसी को मानते हैं कि इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो और लोग अपनी मर्जी से अपने नेता चुने, उसको न करके पूरा जोर जोर लगाया गया, वो था आर्थिक उदारीकरण को। उसके उसकी वजह से क्या हुआ कि रूस के भीतर एक तो जो बोरिस एल्सिन नेता थे उनके भीतर कुछ ऐसी टेंडेंसीज आई जिनको आप ऑथोरिटेरियन या कुछ कह सकते हैं, और दूसरी तरफ ओलिगार्क की पैदाइश हुई, ऐसे बिजनेसमैन पैदा हुए जो किसी भी तरीके से, बस उनका एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक बिजनेसेस पे कंट्रोल करना और पैसे कमाना। इस वजह से क्या हुआ कि 1996 आते आते रूस की हालत खराब हो गई और बोरिस एल्सिन की पॉपुलैरिटी घट के 10% के आसपास आ गई। लेकिन फिर भी रशिया के ओलिगार्क्स ने यह तय किया, और उसमें वेस्ट का भी कहीं ना कहीं एक पीछे से वो था, इसको हम लोग कहते हैं दावोस प्लान। दावोस में 1996 में जुटे सारे दुनिया भर के बिजनेसमैन जुटे थे, रशियंस भी जुटे थे, वहां पे ये प्लान हुआ और उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स को बोरिस एल्सिन के पीछे डाल दिया। हुआ क्या, बोरिस एल्सिन जिनको 10% भी अप्रूवल रेट नहीं था, वो चुनाव जीत गए राष्ट्रपति का, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर उनका बहुमत खत्म हो गया। इससे पहले 1993 में पार्लियामेंट और बोरिस एल्सिन के बीच में खूनी झड़प हुई थी जिसमें करीब 150 लोग मारे गए थे, 1993 की बात। तो हुआ क्या कि रशिया में न तो कायदे से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई और न ही डेमोक्रेसी। उसी समय वेस्ट ने अपना वो वादा तोड़ा और हमने देखा कि यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में बॉम्बिंग हुई, 3 महीने तक बम गिराए गए और पूर्वी यूरोप के देशों को नाटो का मेंबर बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन रूस की उस समय न तो हैसियत थी, न उनके लीडर्स के पास इतना विल पावर था कि वो इसको, इसका विरोध कर सकते थे, तो नहीं हुआ। 2000 आते आते पुतिन का उदय होता है और पुतिन ने धीरे 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 अपनी ताकत भी बढ़ाई, अपनी पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ाई और साथ में उन्होंने रशियन इकोनॉमी को पटरी पे लाने की कोशिश की, जिसका एक था कि हम विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाएंगे
और दूसरा था कि हम अपने कर्जे उतारेंगे। आज रूस दुनिया के उन देशों में से है जिसका जीडीपी के प्रोपोर्शन में जो रेट है इंटरनेशनल रेट वो 18% के आसपास है, इनफैक्ट 18% से कम है। और उनके पास जो 2000 के आसपास लगभग जीरो था उनका विदेशी मुद्रा भंडार, वो करीब करीब आज के डेट में 600 अरब डॉलर से ज्यादा। तो अब उनके पास मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर, क्योंकि अब वो एक स्थापित नेता, हम जानते हैं कि बहुत तरीके से उनकी परिभाषा की जाती है, लेकिन पॉलिटिकली वो पावरफुल लीडर हैं रशिया, उनको चैलेंज कोई नहीं कर सकता इस पीरियड में। तो इन चीजों के साथ साथ आते आते पिछले कई सालों से ये कह रहे थे कि यूक्रेन को अगर आप नेटो में शामिल करेंगे तो ये हमारे लिए रेड लाइन होगा। और 2008 के बाद से अभी तक हम यूक्रेन के अंदर भी पॉलिटिकल अस्थिरता देख रहे हैं और रशिया के साथ यूक्रेन के भी झगड़े देख रहे हैं, जैसे कि 2014 में हुआ, उससे पहले जॉर्जिया में हुआ, और विदेशी मंचों पे हमने देखा, फिर प्रॉक्सी वार्स जो चल रहे हैं, जैसे रशिया ने जो है सीरिया में इंटरवेंशन दिया। तो इस तरीके की चीजें होती रही, या यूनाइटेड नेशन के मंच पे, या इन्होंने अपने ब्लॉक बनाए, जैसे आपने देखा ब्रिक्स जैसी चीजें आई, आरआईसी बना जिसमें रशिया इंडिया चाइना है, बहुत तरीके की चीजें हुई। और उन्होंने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेके और कुछ पूर्वी सोवियत संघ के देशों को लेके मिलिट्री अलायंसेस बनाने शुरू किए, जैसे सेंट्रल एशिया में बना, बेलारूस के साथ उन्होंने बनाया। तो ये सारी चीजें वो कर रहे थे, इसी बीच में यूक्रेन उनके लिए रेड लाइन था, उन्होंने बार बार कहा था, और लेकिन पता नहीं वेस्ट ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया, या राष्ट्रपति पुतिन जो है ज्यादा उतावले हो गए कि आज ये हम यहाँ पे आज पहुंचे हैं। अब उसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, अब जिसको जो उसमें से चुनना है वो चुनता है। ठीक बात है, चलिए ये जानकारी विधिवत आपने दी, व्यापक जानकारी थी। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी अभी जो हमारे साथ प्रकाश ने बातें कही वो तो है ही है, एक चीज और जानना चाहेगा भारतीय दर्शक पाठक कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है, क्योंकि वह बिल्कुल साइड में दिखाई दे रहा है, या फिर वह किसी निर्णय की स्थिति, मतलब बाबा टाइप स्थिति में दिखाई दे रहा है जिसमें रूस को धमकी देता है, लेकिन विलेन जो है वह रूस बनकर उभरा है। विवाद की बात जो, जिसको मील का पत्थर आप कहेंगे या जिसको लकीर कहेंगे, वह 2014 की है। विवाद में मुख्य विवाद जो है वह तेल की उस पाइपलाइन का है, जिस पर कि अब अमेरिका के जरिए यूक्रेन रूस को तंग करने जैसी बात या टैक्स वसूली की बात कर रहा है। तो इसकी विधिवत जानकारी आप लोग रखते होंगे, थोड़ी जानकारी आप दें कि आखिरकार इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, जिसकी वजह से क्या तनातनी में वह भी कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही स्पष्ट है अमेरिका की जो भूमिका है, मैंने समझता वो किसी तरह से परोक्ष भूमिका है, बहुत ही प्रत्यक्ष भूमिका है। और इस पूरे संकट के लिए जो इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में खड़ा हुआ है, अगर किसी को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तो वो अमेरिका है। मसलन आपने जिक्र किया नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का आपने जिक्र किया, अगर इस पाइपलाइन को ले लें, इसके पीछे मसला क्या है? इसके पीछे मसला यह है कि रूस और अमेरिका दुनिया में तेल के न सिर्फ दो सबसे बड़े उत्पादक हैं बल्कि सबसे बड़े निर्यातक। अमेरिका का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही नहीं है कि रूस के साथ वो कॉम्पीट कर रहा है, रूस के साथ वो प्रतियोगिता कर रहा है इसमें और रूस को रोकने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि एक ना एक दिन धीरे धीरे हायना की तरह रूस के पीछे लगे लगे एक ना एक दिन रूस को ब्रेकअप करना है, तोड़ना है और उसके इन तेल स्रोतों पर कब्जा करना है। अगर हम पिछले सारे दौर में देखेंगे, हमें स्पष्ट रूप से जो कहना चाहिए कि जो एक अनअटेंटिव ऑडियंस है, जो बहुत संजीदा दर्शक नहीं है, उसको ये लग सकता है कि रूस इसमें हमलावर है, लेकिन अगर आप पूरा पर्सपेक्टिव लेंगे, पूरी वॉर को देखेंगे, जो ये वॉर कोई आज शुरू नहीं हुई है, यूक्रेन के अंदर रशिया जो है उस वॉर को खत्म कर रहा है, जिस वॉर को यूक्रेन के अंदर, जिस मिलिटराइजेशन को यूएस और नाटो ने पहले ही शुरू कर दिया है, वहां दो बड़े जो है सैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं, उनके लिए जमीन साफ की गई है। यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसके अंदर जो कमांड स्ट्रक्चर है उसके लिए बाकायदा फॉर्मल तरीके से अमेरिका को ये अधिकार दे दिए गए हैं कि वो सबसे नीचे, सबसे लोएस्ट रंग्स पर भी सीधे कमांड दे सकता है, यूक्रेन गवर्नमेंट को बाईपास करके अमेरिका सीधे कमांड दे सकता है। अमेरिका यूक्रेन की जो टॉप जुडिशरी है, वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसको अपॉइंट कर रहे हैं, उनके अंदर अमेरिका का बड़ा हाथ है। यूक्रेन की जो एंटी करप्शन एजेंसीज है उनको सीधे अमेरिका अपॉइंट कर रहा है, और ये लॉ से कर दिया गया, कानून से कर दिया गया।
तो दो बात मैं यहां बहुत ही मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि एक तो यूक्रेन के अंदर राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, राष्ट्रीय स्वायत्तता की, लोकतंत्र की बात उठाना बिल्कुल बेमानी है। वहां कोई लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है, और फासीवादी जो है उन वहां जो सोबोदा ग्रुप है, थोड़ी कठिनाई जी जो सोबोदा ग्रुप है उसका पूरा दबाव है, और एक तरह से सोबोदा ग्रुप परोक्ष रूप से जेलेंस्की की सरकार को चला रहा है। सोबोदा के पीछे यूएस और नाटो बैठे हुए हैं, और उनकी बड़ी अच्छी पकड़ जो है पूरी जेलेंस्की सरकार पर है। ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो जेलेंस्की सरकार यूएस नाटो की बड़े लंबे समय से कठपुतली बन करके चल रही थी। तो हालांकि तात्कालिक रूप से हमें ये दिखाई दे सकता है कि ये रूस इसमें हमलावर है, लेकिन इसके पीछे यूएस नाटो का एक बड़ा खेल है। लेकिन इसके और पीछे हम अगर चलें, सोवियत संघ की बात की प्रकाश जी ने, तो यहां सोवियत संघ के विघटन में मैं कहूंगा कि स्टालिन और उसके जिन उत्तराधिकारियों का इसमें हाथ है, शनई शनई धीरे धीरे सोवियत संघ को अंदर से खोखला किया गया, काउंटर रिवॉल्यूशन के जरिए रिवॉल्यूशन को उल्टा गया। तो स्टालिन से लेकर और प्यूतिन तक एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला है, एक परंपरा है, जिन लोगों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। खुद प्यूतिन जो है वो केजीबी के चीफ रहे, और सोवियत संघ के विघटन के बावजूद भी, सत्ता में आने के बावजूद भी, वे अमेरिका और नाटो की शक्तियों को अपने पश्चिमी दोस्त कहकर जो है उनको संबोधित करते रहे, और उनके साथ मिलकर उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया। जैसा अभी प्रकाश जी ने कहा, यहां तक भरोसा किया, उन्होंने कहा कि हम पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो प्यूतिन बिल्कुल निश्चिंत थे। जिस तरह से एक समय में स्टालिन निश्चिंत था कि हिटलर जो है वो नहीं बढ़ेगा पूर्व की तरफ, उसी तरह से आज प्यूतिन निश्चिंत थे कि ये जो 21वीं सदी के हिटलर हैं ये पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हालांकि ये पहले से ही तय था, और जो यूएस नाटो का एक लंबा प्रोग्राम था, जो उनका रणनीतिक कार्यक्रम था, वो यही था कि रूस को इसका बाल्कनाइजेशन करना है, टुकड़े टुकड़े करना है, धीरे धीरे इसके पहले गणराज्यों को नाटो में शामिल करना है, उनको अलग करना है, और उसके बाद धीरे धीरे इसको टुकड़े करते हुए। तो 2014 का जो क्राइसिस था उसने असल में इसकी जो मैदान रिबेलियन था उसने इसकी भूमिका बना दी थी, इसकी नींव डाल दी थी, जो आज 2022 में हो रहा है। और इस समय हम समझते हैं कि प्यूतिन वहां, प्यूतिन की फौजें वहां, प्यूतिन की के कार्यक्रम को छोड़ दें, उसकी प्यूतिन की क्या इच्छा है, क्या आकांक्षा है, क्या सपने हैं, वो जारशाही का साम्राज्य पुनर्स्थापित करना चाहता है, उसको छोड़ दें, लेकिन उसकी जो इस समय भूमिका है प्यूतिन और उसकी फौज की यूक्रेन के अंदर, मैं समझता हूं ये एक सकारात्मक भूमिका है, जिसमें वो वहां फासिस्टों के खिलाफ एक बड़ी सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो जेलेंस्की का रेजिम था, ये ऐसा रेजिम था, आपको याद होगा 2014 की मैदान अपराइजिंग के समय इन लोगों ने लेबर लीडर्स को सड़क पे खड़ा करके जिंदा जला दिया था, ट्रेड यूनियन हाउस के ऊपर हमला करके उसको आग लगा दी थी। तो इन्होंने इतनी तरह के वहां जुल्म किए हैं, अपराध किए हैं, और ऐसा माहौल एक बना दिया था यूक्रेन के अंदर कि वहां किसी भी तरह से लोकतंत्र की बात तो दूर है, किसी तरह का विरोध भी नहीं किया जा सकता था। तो अब ये जो फंदा है ये टूटेगा, और यूक्रेन हम यहाँ प्यूतिन की के उसके सपनों की बात ना करें, उसके कार्यक्रम की बात ना करें, वो एक सब्जेक्टिव बात है, एक मनोगत बात है। वस्तुगत जो इस समय भूमिका है प्यूतिन की, वो भूमिका वहां इन फासिस्टों को, खासतौर से सोबोदा ग्रुप को और इन अपराधियों को जिन्होंने 2014 और उसके बाद बड़े अपराध किए हैं यूक्रेन में, तो उनको जो है इस समय उनको अपरूट करने की है। और इस संदर्भ में हमें पूरे के पूरे इस मिलिट्री कहना चाहिए कि कैनवस को यूक्रेन के अंदर इस समय हमें देखना चाहिए। अगर हम इसको छोटा करके देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, फिर हमें प्यूतिन जो है वो वहां वुल्फ दिखाई देगा, और पश्चिमी मीडिया यही कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया यही कर रहा है। चलिए, इस मीडिया की भूमिका को तो हम सब देख ही रहे हैं, अपने अपने तरीके से हर आदमी परिभाषित भी कर रहा है। प्रकाश जी, जो राजेश जी ने अपनी बातें कही हैं उससे असहमति सहमति आप दीजिएगा, उसके साथ एक सवाल यह भी जोड़ लीजिए कि इन दो देशों की लड़ाई में भारत जैसे देश जिनके यहाँ पलायन बहुत बड़ा है और वहाँ बड़ी संख्या में हमारे छात्र हैं, ऐसी स्थितियों में मतलब हम क्यों फंस जाते हैं, जरा बात इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार हर जगह फंसे हुए नजर आते हैं।
हमारी क्या ऐसी मजबूरी बनती है कि हम वहां पहुंच जाते हैं, और दूसरी बात यह भी कि भारत की ऐसी स्थिति में, क्योंकि लगातार मिमिक्री किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री का, यह सब भी चल रहा है, भारत जैसे मुल्क की जो इसका कि एक पांव अमेरिका की तरफ और एक पांव रूस की तरफ है, उसकी क्या भूमिका बनती है कूटनीतिक, इस पर भी अपनी बात रखिए। देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यूरोप में रूस तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ही क्षेत्रफल के हिसाब से और संसाधनों के मामले में। यूक्रेन यूरोप का रूस के बाद सबसे बड़ा देश है और वो उसको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। वो फूड बास्केट कहा जाता है, ब्रेड बास्केट कहा जाता है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन साथ साथ जब सोवियत संघ का हिस्सा था तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़े हैं, जिसमें कि एक मेडिकल कॉलेजेस का भी हिसाब किताब है और भी कुछ पढ़ाइयां हैं वहां पे। तो जब जैसा राजेश जी ने बताया, उसमें एक दो लाइन और जोड़ते हुए कि जिस तरीके से पूर्वी यूरोप में इंक्लूडिंग रशिया ओलिगार्क जिस तरीके से पैदा हुए, उस तरीके से यूक्रेन में भी पैदा हुए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे दें कि 2014 की मैदान क्रांति के बाद जो दो राष्ट्रपति बने हैं, एक का नाम पनामा पेपर्स आया और जेलेंस्की का नाम पंडोरा पेपर्स आया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भी करप्शन का क्या हिसाब किताब है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह की रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं। तो वहां की इकोनॉमी में ये चीजें जो पहले से पढ़ी लिखाई की व्यवस्थाएं हैं वो एक योगदान देती हैं, जो दूसरे देशों के जिनमें भारत है, नाइजीरिया, इवन चाइनीज स्टूडेंट्स भी जाते हैं। भारत की दिक्कत ये है, मतलब हमारी मेडिकल एजुकेशन की, अभी आपने देखा कुछ समय पहले सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों को निर्देश दिया है कि आप 50% सीट जो है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी सरकारी बराबर रखें। फिर सरकार ने दो दिन पहले ही दिया है, दो दिन जी। और सरकार ये भी कह रही है कुछ सालों से कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं और हर जिले में हम कोशिश करेंगे कि जो है हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने। और साथ ही भारत उन देशों में से है जो अपने जीडीपी का बहुत थोड़ा हिस्सा, लगभग 1.5% 1.3% के आसपास जो है वो स्वास्थ्य सेवा में खर्च करते हैं। तो उसको भी 2.5% करने का इनका इन्होंने वादा किया है कुछ सालों में हम कर देंगे। तो अब कितना होगा, नहीं होगा, कितना हो रहा है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये भी है कि हमारे देश के जो मेडिकल, देखिए मैं डॉक्टरों की फैमिली से आता हूँ, मेरी भतीजी अभी यूक्रेन में फंसी हुई है, मेरे पिता डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, उनकी वाइफ डॉक्टर है, हम जानते हैं थोड़ा सा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और जिस तरीके से पिछले 30 साल के लिबरलाइजेशन के फेज में हर तरीके के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हुए हैं, तो उनका जो फी स्ट्रक्चर है वो हर किसी परिवार के बस में नहीं है कि वो उसको दे पाए। तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए यूक्रेन में या कहीं भी अगर हमें विकल्प मिलता है, जैसे हमारे बड़े प्रतिभावान छात्र हैं जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जाते हैं, उसमें से एक तो संख्या वो है जो घर से पैसा लगा के जा सकता है, लेकिन बाकी मेधावी छात्र तभी जा पाते हैं जब उन्हें कोई स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि वो फीस कम से कम मेरे बुत्ते की बात नहीं। तो वो यूक्रेन उसमें एक ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरी चीज कि अगर आपको याद होगा सोवियत संघ के जमाने में था कि लोग रशिया से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ के आ रहे हैं, तो वो एक लाइन भी चली थी। और जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो ओलिगार्की वाले सिस्टम में मिडिलमैन बहुत पैदा होते हैं दुनिया भर में, जो रशियन रिसोर्सेज और पैसे और बाकी चीजों को बेचते खरीदते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा अभिषेक वर्मा का बड़ा चर्चित केस आया था, श्रीकांत वर्मा के बेटे का, तो और चाहे गोवा वगैरह में रशियन माफिया और तमाम हम लोग सुनते हैं। तो उसमें एक ये भी सिस्टम बना कि आप विकासशील देशों से, गरीब देशों से स्टूडेंट्स को लाइए, यूक्रेन में एडमिशन दिलाइए, अपना कमीशन आप लीजिए और बच्चे भी पढ़ ले, मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन। तो एक तो यह है कि हमारे संस्थान जब तक महंगे रहेंगे, जब तक हमारे पास सीटें नहीं अच्छी खासी मात्रा में होंगी, और बाय द वे हमको करना चाहिए क्योंकि हमारा जो डॉक्टर का और आबादी का जो प्रोपोर्शन में डॉक्टरों की उपलब्धता है, नर्सों की उपलब्धता है, वो बहुत मिनिस्क्यूल है। तो अगर हम एक स्वस्थ देश बनना चाहते हैं तो हमें अपने यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, तो हमारे बच्चे वहां नहीं फंसेंगे। अब आपको एक छोटी सी चीज मैं कहूँ कि जब ये यूक्रेन क्राइसिस खत्म हुआ, ये क्राइसिस शुरू हुआ, तो चलिए सरकार की क्या गलती थी, उसको समय रहते करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक बहस है। लेकिन आपने देखा कि हो सकता कि बच्चों की तरफ से भी शायद हम लोग सब भी जान रहे थे कि इतना बड़ा क्राइसिस हो सकता है,
इतने बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं दुनिया के, थोड़ी युद्ध की स्थिति आएगी। सब कोई मान के चलता था कि तनाव बहुत पीक पे पहुंच चुका है और वहां से डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो हो सकता है कि शायद बच्चों ने अपने तरफ से भी कोशिश नहीं की कि हम जल्दी निकल जाए, ये हो सकता है। लेकिन उन बच्चों के पास क्या उतने पैसे थे कि वो चाहे डायरेक्ट फ्लाइट्स ले लें या यूरोप के थ्रू आ जाएं या मतलब कुछ करें? तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जो बच्चे जा रहे हैं वो किस पारिवारिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं। और अगर इसी में हम जोड़ें जो बार बार क्राइसिस आ जाती है, हम जानते हैं कि जिन लोगों पर हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं, एक सवाल और मैं कह रहा था आपसे कि खाली दो लाइन खाली बोल दूं, नहीं मैं इसे जोड़ रहा था, दोहरा रहा था पहले भी, कि भारत जैसे देशों की फिर ऐसे में क्या भूमिका बनती है एक कूटनीतिक जानकार के नाते, एक पत्रकार के नाते, वो भी जोड़ लीजिए जी। देखिए क्या है कि अफसोस की बात है कि हम लोग उस पे बात नहीं करते हैं जो हमारे लोग अरब में काम करते हैं, वहां से बहुत रेमिटेंस आता है हमारे देश को, कमाई होती है, बिल्कुल विदेशी मुद्रा आती है। लेकिन उन लोगों की पढ़ाई लिखाई पे और उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे हमारा बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बहुत ही अनस्किल्ड टाइप के लोग है बहुत बड़ी संख्या वहां पे। तो हमें वो भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे लोग बाहर रोजगार के लिए जाएं, जाना भी चाहिए, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ, और हम तो उतना कहते हैं जिस तरीके से आज पूंजी एक झटके में एक बटन से यहां से वहां चली जाती है, तो लेबर का भी और स्किल्ड लेबर का भी और एक्सपर्ट्स का भी, एक्सपर्टाइज रखने वाले लोग भी जो है एक दूसरे देशों में जाए आए, स्टूडेंट्स भी आए जाए। लेकिन हमें उनकी अब सुरक्षा की बात एक आती है, भारत सरकार की तरफ से कुछ साल पहले एक बकायदा फंड बनाया गया, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, 1991 से लगातार जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में हमारे लोग फंसते हैं, हम निकाल के ले आते हैं। तो सरकार को एक मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए, एक ऐसी रेस्पॉन्स टीम हो कि जैसे ही हो जाए, अच्छा जैसे चेस के खेल में आप आगे देखते हैं उसी कूटनीति के खेल में भी देखते हैं, आप रिस्क असेसमेंट भी करते हैं, हर एक्सटर्नल अफेयर्स एस्टेब्लिशमेंट करता है दुनिया भर, तो आपको करके रखना चाहिए, उसी हिसाब से उस तैयारी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, बहुत कम उस पर चर्चा होती है, अगर आप दूसरे देशों की तुलना में देखें तो हमारा जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसके जो स्टाफ की संख्या है पूरी दुनिया में, जितने हमारे दूतावास हैं, कॉन्सुलेट हैं और भी जो डिप्लोमेटिक हमारे इनिशिएटिव्स हैं वहां पे, जितने लोग काम कर रहे हैं यहां पर विदेश मंत्रालय में, जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी संख्या को एक साथ रखें और आप चीन, ब्राजील, यूरोपीय देश और बाकी और लोगों के एस्टेब्लिशमेंट को देखें तो वो संख्या भी बहुत कम है। वहां भी हमें ज्यादा से ज्यादा लोग रखने चाहिए कि भाई एक क्राइसिस हो तो बहुत सारे लोग हम लगा सकें काम पे। और एक जो कंफ्यूजन है निर्णय लेने की, आखिरी बात मैं कहूंगा, आपने देखा कि आज सुबह से एक ट्वीट चला कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि आप क्यू से निकल जाइए, जैसे भी संभव हो सके आप वहां से निकल जाइए। अभी मैं देख रहा हूं कि एक मंत्री का आ रहा है कि जहां हो वहीं रहो, तो ये जो कंफ्यूजन है, अभी एक बच्चे के मारे जाने की खबर भी चल रही है, कोई कर्नाटक का लड़का है, हाँ, तो कर्नाटक तो हमें नवीन कुमार जी, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि मतलब हमारी सरकारों को कि आप इतना कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए। और आज तो हमारी सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि निर्णय लेने की क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, उसको इम्प्लीमेंट कराने की क्षमता है, तो ये अफसोस से भी निर्णय ले लेते हैं, बिल्कुल हाँ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम कह सकते हैं कि शायद सरकार ने समय रहते असेसमेंट नहीं होगा, नहीं हो पाया, और अब अगर सरकार एक्टिव दिख रही है तो उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। और जितना करेंगे आप तो करने के बाद हल्ला करिए कि फाइटर्स जा रहे हैं और हम एयरफोर्स को लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप होप जगा देते हैं। अब मैं भी दिन भर में चार बार खबर रख रहा ले रहा हूं कि भाई बच्ची कहाँ है, नहीं है, क्या खाया, क्या पिया, बंकर से निकले कि नहीं निकले। और आप जब इस तरीके से लगातार प्रोपेगेंडा टाइप की चीजें करते रहेंगे या कंफ्यूजन फैलाएंगे तो बिना मतलब का उन पर भी स्ट्रेस होगा, हम पर भी स्ट्रेस होगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपकी बात को थोड़ा जोड़ते हुए राजेश जी से एक आखिरी टिप्पणी लेते हैं, और वो राजेश जी ये बताइएगा कि जो सवाल मैंने इनसे भी किया था आपसे दोहराता हूँ, आप ही जवाब दें कि भारत का क्या रोल बनता है ऐसे युद्धों के वक्त में, क्योंकि भारत भी दक्षिण एशिया के सबसे ताकतवर और बड़े देशों में से एक है। दूसरी बात ये कि हर वक्त हमारी हालत कोरोना जैसी क्यों हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है,
इस मामले में भी अफरा तफरी मची, कभी यहां रहिए कभी वहां रहिए, कभी तीन मंत्री जा रहे, कभी हम जेट भेज रहे, कभी फोटो खिंचा के रतन टाटा लगा रहे, ऐसी स्थितियां, मतलब हर चीज हमारे यहां आयोजन बन जाता है और रिजल्ट हमारे यहां बहुत थोड़ा सा आता है। तो इस तरह की स्थितियां क्यों बन जाती हैं? और तीसरी बात ये कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो सबसे निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, ट्वीट पर किसान आंदोलन को वापस ले लेते हैं, माफ करिएगा तीनों कृषि बिलों को वापस ले लेते हैं, वैसे प्रधानमंत्री की सक्रियता यहां क्यों नहीं उस तरह से दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें दो बात है और दो मुझे लगता है इन दोनों बिंदुओं को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है अगर हम इस मुद्दे को गहराई से समझना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, साम्राज्यवाद का भी पूंजीवाद का बहुत ही उन्नत दौर है, बहुत ही उन्नत दौर है। हम लेनिन के दौर से भी जो है 100 साल आगे आ चुके हैं और लेनिन उस समय कह रहे थे कि ये बहुत उन्नत दौर है, तो आज तो बहुत ही उन्नत दौर में हैं हम। जिसका मतलब क्या है कि आज के दौर में जो आर्थिक जीवन है दुनिया का, उसके ऊपर से जो राष्ट्र राज्य हैं उनकी पकड़ छूट गई है। वो रेगुलेटर के तौर पे जो उसके ऊपर काम करते थे, उसका नियंत्रण करते थे, वो नियंत्रण अब बहुत कम रह गया है। अगर आज ये सारी राष्ट्रीय सरकारें अलग अलग तौर पर, हमने कोरोना के मामले में देखा कि सारी राष्ट्रीय सरकारें और तो क्या करती हैं, तालमेल करके कोई अनुसंधान पर, रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पाई और इससे कोरोना से एक्चुअली लड़ना संभव नहीं हो पाया। यही यहाँ हो रहा है। ये जो राष्ट्रीय सरकारें हैं, सवाल ये है कि जो कुल मिला के आर्थिक सामाजिक जीवन है उसके ऊपर इनकी पकड़ कितनी रह गई है? वो पकड़ बहुत ही कम रह गई। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको भारत का आपने उदाहरण दिया, मैं बताऊंगा कि यहाँ क्या हुआ है कि अब तक इंडियन एयरलाइंस कम से कम इनके हाथ में थी, अब वो इंडियन एयरलाइंस जो है वो टाटा को बेच दी गई है। तो अब अगर वहां से लाना है छात्रों को यूक्रेन से, तो वो भी जो थोड़ा बहुत जो कुछ इनके हाथ में था वो भी जो है इन्होंने वो भी चलता कर दिया, उसको भी गंवा दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमें ये समझना पड़ेगा कि अपने आप में युद्ध क्या है। अपने आप में युद्ध जो है वो उत्पादन शक्तियों का विद्रोह है उत्पादन संबंधों के खिलाफ, सामाजिक संबंधों के खिलाफ, जिनके दायरे में, जिनके पिंजरे में अब तक ये उत्पादन शक्तियां काम कर रही थी उसके खिलाफ विद्रोह कर रही है। जैसे यही मान लीजिए सवाल है, मेडिकल स्टूडेंट्स का ही सवाल है, तो भारत में मान लीजिए 2000 मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है, उसके लिए विद्यार्थी तो हैं, शिक्षा चाहने वाले हैं, लेकिन कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो लैक है, खासतौर से जो पिछड़े पूंजीवादी देश हैं भारत जैसे, इनके अंदर ये समस्या बहुत ही बड़ी है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स को पैदा हो रहे हैं, पैसे भी हैं उनके पास, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये विद्रोह हो रहा है, अपनी सीमाओं को लांघ कर तोड़ कर वो बाहर जा रहे हैं। अब इस बात को लेकर ये जो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि कहाँ कॉलेज खुले हैं और कहाँ वो कॉलेज जो है उनके रिसिपिएंट बने, उनको रिसीव करें, फीस लें, इसको लेकर, ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी बातें जिनको लेकर दुनिया भर में इस समय उहापोह मची हुई है, आपस में आपाधापी मची हुई है इस इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करने के लिए। चाइना कहता है मेरे पास आए, भारत कहता है मेरे पास आए, फिलीपींस कहता है मेरे पास आए ये इन्वेस्टमेंट। तो इसको, इस सब को इनवाइट करने के लिए जो आपाधापी मची हुई है, इसी से युद्धों का जन्म हो रहा है। जो युद्ध पैदा हो रहे हैं, साम्राज्यवादी युद्ध जो है, वो बेसिकली इन उत्पादन शक्तियों का विद्रोह है उत्पादन संबंधों के खिलाफ, और उससे युद्ध पैदा हो रहा है। और ये अलग अलग जो देश हैं, अगर आप अलग अलग देशों पर इसे घटाकर देखेंगे तो ये बात बहुत समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप दुनिया के स्तर पर इसे देखेंगे तो ये बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से ये सारी जो राष्ट्रीय सरकारें हैं ये सारी फेल हो रही हैं। आप भारत की बात करें, भारत की तो ये बाय चांस है कि यूक्रेन के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बाकी देशों को बहुत कम, थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में देखें कि किस तरह से ये राष्ट्रीय सरकारें अलग अलग मोर्चों पर फेल हो रही हैं, तो ये कोई भारत सरकार का ही फेल्योर नहीं है, ये तमाम सरकारों का, मैंने कोविड का आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया जिसमें कोऑर्डिनेट करने में फेल हो गई सारी सरकारें आपस में। और ये नहीं, आपने देखा कि अमेरिका चीन से अपनी रिसर्च को छिपा रहा है, चीन अमेरिका से छिपा रहा है, भारत चीन से छिपा रहा है, तो सारा टुकड़ों में बटा हुआ है और एक दूसरे के खिलाफ ये शत्रु राष्ट्र राज्यों के रूप में जो है काम कर रहे हैं। किसी तरह का कोई सहयोग या कोई तालमेल नहीं है। जहां तक इनके अंदर बैठी हुई सरकारों की बात है, तो वो सरकारें आपने देखा बहुत ही पॉपुलिस्ट ढंग से काम कर रही हैं, उनका जनता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सभी जगह जो रूलिंग एलीट है वो पूरी तरह से जनता से कटा हुआ है, मेहनत कश जनता के साथ, करोड़ों करोड़ जनता के साथ, उनके हितों का, उनकी व्याख्याओं का, उनके आकांक्षाओं का कोई तालमेल नहीं है। उनका मकसद जो है, जिस तरह से अभी रशियन ओलिगार्क्स के बारे में तो
प्रकाश जी बात कर ही रहे थे, ये ओलिगार्क सब जगह बैठे हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ बिजनेस को बढ़ाना, तिजोरियों के पेट फुलाना, लूटपाट करना लोगों की, इसके सिवा और कुछ नहीं है। कहीं भी वो जो राष्ट्रीय सरकारों का बुर्जुआजी की शुरुआत में एक ये हुआ करता था कि हमें राष्ट्र को भी चलाना है, वो भी सब खत्म हो गया और सब अवसान हो चुका है। तो आज ये जो राष्ट्र राज्य आपके सामने है, जिनमें से भारत एक है, इनसे मुझे लगता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कहीं भी जो समझदार लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई मोदी जी वहां से क्राइसिस से जो है बच्चों को निकाल लाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो निकालने का कोई प्रोग्राम बनाएंगे भी तो वो इस बात से प्रेरित नहीं होगा कि वहां से बच्चों को निकालना है, बल्कि इस बात से प्रेरित होगा कि रतन टाटा की कंपनी इंडियन एयरलाइंस को कितना पैसा सरकार की तिजोरी से जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। वहां भी जो सेंट्रल पॉइंट होगा उनका वो ये होगा। तो इस तरह के जो ये जो शासन प्रशासन पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के तमाम राष्ट्र राज्यों में इस तरह की सरकारें हैं वो बैठी हुई हैं, और इसको दुनिया के स्तर पे देखते हैं तो हमें ये बड़े आसानी से समझ में आ जाता है कि सभी जगह यही हो रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। बिल्कुल, राजेश जी की बात को अगर समझा जाए तो अभी तक कुल 2012 छात्र कल तक आए थे, आज का ताजा अपडेट नहीं है। आज का ताजा अपडेट कम से कम ये है कि एक नवीन कुमार नाम के छात्र की मौत हो गई है। प्रकाश जी, जब राजेश जी कह रहे थे पॉपुलिस्ट एक शब्द लेकर आए, तो उससे मुझे लगा कि थोड़ी मीडिया पर भी बात करनी चाहिए, आप पत्रकार हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि इस पूरे संकट के वक्त में भारत की दृष्टि से मीडिया का जो रवैया और नजरिया रहा है भारतीय मीडिया का, वह इतना ज्यादा अप किया, इतना ज्यादा घालमेल वाला बना कि रूस को बकायदा एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी भारतीय मीडिया के लिए, तो क्या अपनी भी हमारी सरकार मीडिया के इस जाले झमाले में फंस गई है जिसकी वजह से इतना भारत में असंतोष सरकार को लेकर फैला है? देखिए, एक तो हमारे मीडिया का पिछले कुछ सालों से, कई आपने नेपाल के मसले पे देखा क्या हुआ वहां जाके भनपिट की हाल है, और मुझे याद आता है कि जब हुस्नी मुबारक के खिलाफ इजिप्ट का मसला चल रहा था 2011 में, तो हमारे यहाँ से पूरा बड़े सीनियर लोग गए, तहरीर एस्क्वायर से रिपोर्टिंग भी कर दी कि तानाशाही नहीं गिरेगी, और तो और हुस्नी मुबारक के ठगों ने इनके साथ मार पिटाई की, कैमरे तोड़े, और इन्होंने एक न हमारी उस समय की सरकार ने और न मीडिया की तरफ से इजिप्शियन एम्बेसी में जाके कम से कम एक कंप्लेन भी की, यार क्या कर रहे हो, हम उनके लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया। यूक्रेन के मामले में हमने साफ साफ वीडियो देखा, आज वाले में तो ये आरोप लग रहा है कि शायद रशियन गोली थी, अभी डिटेल्स, क्योंकि युद्ध में थोड़ा सा हमें ठहर के भी सूचनाओं का वो करना चाहिए। लेकिन यूक्रेनियन बॉर्डर गार्ड्स ने जो हमारे बच्चों के साथ बदसलूकी की उसके तो पूरे प्रमाण हमारे सामने थे, तो कम से कम रिक्वेस्ट तो कर सकते थे कि भाई आप ऐसा मत करें हमारे हमारे लोगों के साथ। अफ्रीकन स्टूडेंट्स कह रहे हैं, अफ्रीका के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने एक नीति बनाई हुई है कि पहले यूक्रेनियंस को निकालो फिर इंडियंस को निकालो, और इंडियंस कह रहे हैं कि वो 150 यूक्रेनी निकाल रहे हैं तो उस पर एक हमारे हम लोगों को निकाल रहे हैं। तो हमारे जो मीडिया कर्मी गए हैं, मैं कुछ लोगों की रिपोर्ट देख रहा था, मैं उनके प्रोफेशनलिज्म पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं उनकी कैपेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर आप इवन प्रोपेगेंडा, जिसको हम कह रहे हैं कि पश्चिम का मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसको भी हम देखें तो दो तीन तरीके के अभी कॉरेस्पॉन्डेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। एक वो जो युद्ध दिखा रहा है कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, दूसरा वो बता रहा है कि पब्लिक किस तरीके से अफेक्टेड हो रही है, तीसरा ये बता रहा है कि राजधानियों में कूटनीतिक स्तर पे क्या चल रहा है, हम क्या सुन रहे हैं कि रूस अब आगे क्या कर सकता है, यूक्रेन की गवर्नमेंट का क्या रुख है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ समस्या ये है कि ये हर चीज को एक सर्टेन, जैसे आपने कहा कि आयोजन में बदल देना, उसी तरीके से ये लोग एक सररियल इवेंट की, मतलब कुछ हो, इन मुझे तो इनकी रिपोर्टिंग से ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि कुछ तबाही बर्बादी हो, कि विजुअल मिले, हमें विजुअल मिले, मुझे ऐसा देख के लगा। मैं फिर भी कहूंगा कि शायद मैं गलत हूं, मैं मतलब वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। तो एक तो मैं समझता हूं कि हमारी मीडिया को थोड़ा प्रोफेशनलिज्म समझना चाहिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि युद्ध में प्रोपेगेंडा भी एक हथियार है, वही सिर्फ हथियार नहीं है जो चलाया जाता है और जो बरसता है, प्रोपेगेंडा बड़ा हथियार है, और वो प्रोपेगेंडा जम के चल रहा है वेस्टर्न मीडिया में, और उसी मीडिया से कुछ कुछ लोग लेके हमारी मीडिया में उसको रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप, मैंने तो एडवाइजरी डिटेल में नहीं देखी जो आप बता रहे हैं, जो
रशियन गवर्नमेंट ने वहां की मीडिया को बोला है, अपनी मीडिया को प्रेशराइज किया है, उनके इंडिपेंडेंट मीडिया को जिनको नोबेल प्राइज भी अभी मिला पीछे, तो उनको किया है। तो चलिए वो तो वार में है तो वो अपने नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए अपने मीडिया को कह सकते हैं, क्योंकि एक क्राइसिस है, यूक्रेन में इमरजेंसी लगी हुई है, यूक्रेन की गवर्नमेंट कह सकती है मीडिया को, अपने मीडिया को। लेकिन जो देश बाहर हैं, जो बाहर के मुल्क हैं, जो बाहर के पत्रकार हैं, उन्हें बहुत समझदारी से करना चाहिए काम, कि आप कम से कम आप ऐसा कुछ ना करें जिससे एस्केलेशन बढ़े, जिससे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरे तीसरे दिन मीडिया में नैरेटिव चला पश्चिमी मीडिया में कि रूस जो पहले दिन हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, तो मतलब क्या चाहते हो, कारपेट बॉम्बिंग करता नेटो फोर्सेस की तरह, या यही पुतिन चेचनिया की राजधानी पे जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग करते थे, आप टाइप करिए ग्रोज़नी और उस समय का ग्रोज़नी वार का पूरा ग्रोज़नी को जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया रशियन सेना ने कर दिया। आप सीरियन लड़ाई में देखें जितने फरीक हैं, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो टर्किश मिलिट्री हो, चाहे अलकायदा एफिलिएटेड रेबल्स हो, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन फोर्सेस हो, वो लोग मतलब कहीं भी बम गिरा देते हैं। हमने लीबिया का हाल देखा है, हमने अफगानिस्तान देखा, हमने इराक देखा। तो क्या हम चाहते हैं कि पुतिन अपने सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक ही दिन में राजधानी में जाएं और 10-20 जहाज जाएं और बस जहां मर्जी जहां बम गिरा दें और उसके बाद तो वो जो है घुटने पे टेक दें? तो तब हम कहेंगे कि भाई पुतिन ने अपना वो हासिल कर लिया। मीडिया का रोल है कि, लेकिन फिर भी मैं पश्चिमी मीडिया को कहूंगा कि उसी स्पेस में ये बातें भी हो रही हैं कि नेटो ने क्या गलती की है, नेटो की पॉलिटिक्स कैसी रही, बाइडेन साहब यूक्रेन को उकसा उकसा के और जब यूक्रेन पे पड़ी तो ये दिख नहीं रहा था, राइफल देंगे, हेलमेट देंगे, साइड हो गए। और आज तो ईरान के स्पिरिचुअल लीडर ने ये कमेंट किया है कि ये एक बार फिर सबक मिलता है दुनिया के देशों को कि अगर आप अमेरिका नाटो पर डिपेंडेंट रहेंगे तो मुसीबत के समय आप अकेले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उसी तरीके से तालिबान एफिलिएटेड मीडिया जो है वो दूसरी तरीके की चीजें कर रहा है। एक तरफ तो वो शांति वगैरह की जो नॉर्मल अच्छी बातें हैं, कूटनीतिक बातें हैं, वो कर रहा है, दूसरी तरफ वो ये उनके यहाँ ये नैरेटिव भी चलने लगा है कि साइबेरियन भालू जो है एक बार फिर फंसा, क्योंकि हम वो सोवियत संघ के इन्वेजन का हम इतिहास जानते हैं जो अफगानिस्तान में हुआ। तो ये सब नैरेटिव भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, आप चाहे किसी के पक्ष में हो, आप चाहे कोई लॉजिक दें, हम लोग चाहे जितना एनालिसिस कर लें, मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध अपने पीड़ितों का चुनाव नहीं करता, युद्ध चाहे जितना बर्बाद कर सकता है, युद्ध के पास चाहे जितनी ताकत हो, पीड़ित कोई भी हो सकता है, जैसे वो हमारा बच्चा, उसको क्या लेना देना है, वो कौन यूक्रेन, क्या रशिया, लेकिन वो पीड़ित हो गया। इसी यूक्रेन रशिया के मसले पे एक मलेशिया के बोइंग को गिरा दिया गया मिसाइल मार के कुछ साल पहले। तो युद्ध का विक्टिम कोई भी हो सकता है, और आप तो बातचीत में उस सवाल को नहीं लाए। अब जो हमारे यहां और दुनिया के कई सारे देशों में, रूस में भी, यूक्रेन में भी और पश्चिम में भी, जो पब्लिक को अपनी जेब से पैसा ज्यादा निकालना पड़ेगा गैस पेट्रोल के लिए, अनाज के लिए, और आने जाने में जो दिक्कतें होंगी, पैसे भेजने उजने का जो ये स्विफ्ट वगैरह का बैन लग रहा है, ये सारी चीजें जो डिस्टर्ब होंगी, इंटरनेट को ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने सर्विसेज को, तो जो कम्युनिकेशन की दिक्कतें होंगी कॉमन मैन को, आदमी को, वो सारे असर जो हैं उनको भी इस क्राइसिस के विक्टिम के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों लोगों की बातचीत का। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कूटनीतिक और विदेश मामलों के पत्रकार प्रकाश रे। जी, सबसे पहली बात यह है जो इसमें कही जानी चाहिए थी कि कैपिटलिज्म इज वॉर, पूंजीवाद जो है वो अपने आप में युद्ध है। अगर रूस जो है वो गैस का प्रोडक्शन कर रहा है और वो गैस जो है रूस के अंदर नहीं खप सकती, तो उस गैस को उसको बाहर बेचना है, अमेरिका को अपने तेल को बेचना है, अगर नहीं बेचेगा तो अमेरिका में सरकार का तख्ता पलट जाएगा। तो ये जो बात है, ये जो मैंने कहा था कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, उत्पादन शक्तियां हैं, न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार।
जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।